श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस राम नामी को ओढ़कर बीजेपी 200 से 200 तक पहुंची और जिस राम के सहारे पूरी हिंदी पट्टी में बीजेपी का दबदबा कायम हुआ, ये उसी राम का जयकारा है। मंदिर यही बनेगा, अयोध्या में ही बनेगा, कोई कितना भी चाहे उसको। लेकिन कभी राम के नाम की सौगंध खाने वाली बीजेपी इस पूरे चुनाव में इससे पहले राम का जयकारा लगाने से बचती दिखी। 1990 के बाद से शायद ये पहला लोकसभा चुनाव है जब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम नेता और साधु संत चुनावी परिदृश्य से बाहर दिखते रहे। पर अब लोकसभा की जंग आगे बढ़ते हुए पांचवें चरण तक जा पहुंची है। 6 मई को 5 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होने हैं। पूर्वांचल का ये वो इलाका है जहां के बहुसंख्यक वोटरों के दिल में कहीं न कहीं राम मंदिर का मसला उबाल खाता रहा है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता रहा है। लेकिन इस बार यूपी में चुनौती महागठबंधन से निपटने की है। 14 लोकसभा सीटों पर जब चुनाव होगा 6 मई को, पांचवें चरण में उन 14 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें गठबंधन यानी कि कांग्रेस के पास थी, जो कि अमेठी और रायबरेली। बाकी 12 की 12 सीटें बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। लेकिन इस बार एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ है, उनका जातीय समीकरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को साधने के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या की रणभूमि में उतरे। एसपी बीएसपी गठबंधन और कांग्रेस की प्रियंका गांधी गाठ से बने राजनीतिक समीकरण को तोड़ने और पूर्वांचल के सियासी माहौल को एक बार फिर अपने नाम करने की रणनीति के तहत पीएम ने अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर माया बाजार में रैली की। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की रैली के 2 घंटे बाद ही अयोध्या लोकसभा के राम सनेही घाट में एसपी बीएसपी की भी एक साझा रैली हुई, ये बताने के लिए कि अयोध्या का चुनावी मुद्दा इस बार राम मंदिर का नहीं है। लेकिन राम मंदिर अब अयोध्या की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इस देश की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जो बातें समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि न्यायालय से इसका समाधान होगा, वही चीज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे, वही लोग माननीय अखिलेश जी का अनुसरण करने लगे, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी का अनुसरण कर रहे हैं, तो इसलिए कोई मुद्दा रहे नहीं। दरअसल माना जा रहा है कि अब पांचवें से आखिरी दौर के चुनावों तक कम से कम 120 सीटों पर राम मंदिर का मुद्दा वोटरों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस बार बीजेपी के लिए इस मसले पर हालात बदले बदले से हैं। पिछले चुनावों तक बीजेपी के पास ये तर्क था कि इस मामले के कोर्ट में होने के अलावा केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारों की वजह से वो इस पर कुछ खास नहीं कर पा रही है। लेकिन इस बार ऐसी कोई दलील नहीं दी जा सकती। जाहिर है इस मुद्दे को उठाकर वो खुद को ही घेरा पाएगी। समझना मुश्किल नहीं कि क्यों पीएम रामलला के मंदिर नहीं गए और क्यों उन्होंने पूरी रैली में राम मंदिर निर्माण का कोई जिक्र तक नहीं किया। जय श्री राम का नारा तो लगाया, जय श्री राम के नारे में ही सब समाहित है और प्रधानमंत्री हैं, अपने तरीके से सारा काम करते हैं, इसलिए कि मंदिर पे नहीं बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, अयोध्या की महिमा और गरिमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि भगवान राम के कितने बड़े भक्त हैं। बीजेपी की हिमायत करने वाला संत समाज भी इस बात को समझ रहा है कि मामले का हल कोर्ट से ही निकल सकता है। राम जन्मभूमि पाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आ जाएगा तो हम स्वयं राम जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार होने के नाते जब हमारे पक्ष में आएगा जरूर, कहें कि रामलला के पक्ष में ही सारा निर्णय है और रामलला के पक्ष में जब निर्णय आ जाएगा तो मोदी जी और योगी जी से बुला करके उसको उद्घाटन कराया जाएगा, अभी उनको आने की आवश्यकता है ये नहीं है। लेकिन तब राम के नाम पर अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने के दूसरे रास्ते भी हैं। बीजेपी के नेताओं ने पार्टी के थिंक टैंक की नसीहतों पर अमल करना शुरू कर दिया है। पार्टी सबको साथ लेकर चलने और राम राज्य लाने के अपने वायदे को जोर शोर से दोहरा रही है, इस भरोसे के साथ कि राम के गढ़ में महागठबंधन की एक न चलेगी।
यह गठबंधन नहीं, यहाँ ठग बंधन है। ये लोग ठगने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ मोदी जी का बहुत मतलब भारी मतों से जीत होगा। केवल मोदी मोदी यहाँ लहर चल रही है, मोदी की उनके विकास की बात हो रही है। गठबंधन का कोई अर्थ ही नहीं है यहाँ पे, तो मोदी मोदी का जादू चल रहा है। क्योंकि राम का क्षेत्र है तो राम के क्षेत्र में कोई गठबंधन नहीं। आपने क्या किया? अरे राम के संदेश को ही तो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम तो राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी परिवार से आते हैं और हम लोग हमेशा कोल भील दलित सबको साथ लेकर चले हैं और अयोध्या की यह संस्कृति रही है। बीजेपी जानती है कि अदालत की फाइलों में फंसे राम मंदिर पर ज्यादा मुखर होना वोटों के लिहाज से बहुत फायदेमंद नहीं होगा। ऐसे में पुलवामा की घटना और उसके बाद बालाकोट में हुई सैन्य कार्रवाई के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता का मामला उसे ज्यादा फायदेमंद लग रहा है और वो ऐसे मुद्दों को जमकर उठा भी रही है, राम को देश के स्वाभिमान से जोड़कर। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की धरती है, देश के स्वाभिमान की धरती है। देश में यही स्वाभिमान पिछले 5 साल में और बढ़ा है। हम देश के 130 करोड़ लोगों की भुजाओं को साथ लेकर चले हैं। अब इन्हीं भुजाओं के सामर्थ्य पर हम नए भारत का सपना साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। राम मंदिर बीजेपी की सियासत का प्राण वायु रहा है। पार्टी अयोध्या और राम मंदिर के कारण ही सत्ता में आई। 1984 में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी मंदिर मुद्दे के जरिए 1989 के लोकसभा चुनाव में 5 साल के भीतर सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई। बाद में बीजेपी ने न सिर्फ यूपी में सरकार बनाई बल्कि केंद्र में भी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया और साल 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत भी ले आई। इस बार भी लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के इंतजार और फिर कोर्ट की सुलह कराने की कोशिशों की वजह से तो ये मुद्दा चर्चा में था ही। विश्व हिंदू परिषद ने भी धर्म संसद की 2-2 बैठकें करके इस मुद्दे को हवा देने की पूरी कोशिश की। बीजेपी के संकल्प पत्र में ये भी वादा किया गया कि राम मंदिर को लेकर सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा की घटना ने बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे को पूरी तरह से बदल दिया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में राष्ट्रवादी माहौल बनाने और फिर उसकी आड़ में विपक्ष को घेरने की रणनीति बीजेपी को कहीं ज्यादा कारगर दिखने लगी। गैर मुनासिब नहीं कि पार्टी के रणनीतिकारों को इस बार राम मंदिर जैसे रिस्की मुद्दे के बजाय राष्ट्रवाद और राष्ट्र स्वाभिमान जैसे मुद्दे कहीं ज्यादा फायदेमंद दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।